हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इजी टू यूनिक में आपको बहुत ही यूनिक रेसिपी मिलने वाली है। आज हम केले से एक ऐसी डिश बनाने जा रहे हैं जिसको आप स्टार्टर भी कह सकते हैं या उसे स्नैक की तरह भी सर्व कर सकते हैं। हम ये पके हुए केले से बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पके नहीं हैं लेकिन कच्चे भी नहीं हैं। जो केले हम खाते हैं डेली, ये वही वाले हैं। हम इसमें से चार बनाना ले लेंगे और इसको छील लेंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये, आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी। अब हम इसको कट कर लेंगे। बहुत पतले पतले स्लाइस नहीं काटने इसके और ना ही बहुत मोटा रखना है। ये देखिए, ऐसे पीसेस इसके कट कर लेंगे। ये हमने सब बनाना काट लिया है। अब हम इसमें हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अब हम चावल का आटा 2 चम्मच इस पे हल्का हल्का सा ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे और इसमें ये अच्छे से कोट हो जाएगा और इसको ऐसे थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि ये ऊपर नीचे ये लग जाए इसमें। बहुत सिंपल रेसिपी है, सिर्फ कुछ ही चीज़ों से आप इसको बना लेंगे। सिर्फ 2 चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। ये हमने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए और इसमें हम ये फ्राई करेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हम क्या बना रहे हैं। आपने कच्चे केले तो बहुत बार फ्राई किए होंगे, आज हम ये पके हुए केले फ्राई करने जा रहे हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम एक एक करके इसको डाल देंगे। और फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। और इसमें हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। सब डालने के बाद फ्लेम को फुल कर देंगे और तेज आंच पे इसको फ्राई करेंगे। ये फटाफट से बनने वाला स्नैक है। और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का सा कलर आने लगा है। इसको डार्क गोल्डन कलर का नहीं फ्राई करना है। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे से पलटते जाएंगे। ये हो गए हैं,
अब हम इनको निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम ये दूसरा वेज भी इसका फ्राई कर लेंगे। ये हमने सब फ्राई कर लिए हैं। अब हम एक कोई ग्लास या बिल्कुल फ्लैट कटोरी लेंगे और उसकी हेल्प से इसको ऐसे प्रेस करेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और अगर ये चिपक जाता है तो इसको छुरी से हल्के हाथों से ऐसे निकाल लेंगे। इसी तरह से सब हम बना लेंगे। तो ये देखिए, ये सारे हमने फ्लैट कर लिए हैं। अब इसमें हल्का सा चावल का आटा एक बार और स्प्रिंकल करेंगे, बहुत हल्का हल्का सा, ताकि ये खूब क्रिस्पी बने। और इनको एक बार और फ्राई करेंगे, इसीलिए हमने इनको डार्क ब्राउन नहीं किया था। अब ये दोबारा जब फ्राई होंगे तो इसमें खूब डार्क कलर आ जाएगा। अब हम इसको फिर से फ्राई करेंगे, ऐसे एक एक उठाकर इसी तरह नाइफ से इसे उठाएंगे और डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे से पलटते जाएंगे और डार्क गोल्डन कलर के होने के बाद इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। और जो बाकी बचे हैं उनको भी दोबारा ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम प्लेट में सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, हमारे बनाना के स्वीट चिप्स बनके रेडी हैं। इनको या आप चाहे स्नैक की तरह खाइए, चाहे स्टार्टर की तरह। हल्का सा इस चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए और इसको इंजॉय करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़, आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।